1920 तो ये वो दिखा रहा है शोइंग लास्ट टाइम चेंज इन डेज, जो कि मैंने इधर सर्च करा था 1920। हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर, और ये होने वाली है शायद सेकंड वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से आईपी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी, बस आईपी एड्रेस डालना ही बाकी था। तब इसको ओपन करता हूँ, और फॉन्ट वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर दिया कलर को छोड़ के, तो कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ डाल दिया। तो आज मैं दिखाऊँगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। ऑलराइट, अरे कहना क्या चाहते हो। तो पहले रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से कलर को चेंज करता हूँ। पहले तो कलर आज के ले लेते हैं वाइट। ठीक है, शायद वाइट ही बेस्ट है, तो वाइट ले लेते हैं। ऑलराइट, तो अब इसके बाद खोलता हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ पे अपनी कमांड्स लिखी है, मैंने अभी तक तो खोला नहीं था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आज की कमांड ये होने वाली है पाथ ETC पासवर्ड। इसके अंदर अपना यूज़र स्टोर होता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। लास्ट टाइम मैंने कौन सा यूज़र बनाया था एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। ls/home, क्योंकि होम के अंदर ही यूज़र बनते हैं। ये सबसे पहली वीडियो में बता दिया था मैंने, / लगाना पड़ेगा, अब की बार में लगा तो / काम नहीं कर रहा, कर रहा है अब। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे मैंने शायद लास्ट टाइम कौन से यूज़र क्रिएट करके दिखाए थे, ये दोनों ही क्रिएट करे थे मैंने लास्ट टाइम। ठीक है, और पासवर्ड किसका सेट किया था ये मेरे को ध्यान अभी आ नहीं रहा। ठीक है, तो पासवर्ड अभी देख लेते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं करूँ अगर कैट और कौन सी फाइल देखने में को ETC टैप प्रेस कर दो, अब यहाँ पर पास लिख के टैप प्रेस कर दो, ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ठीक है, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, पहले स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, दो यूज़र बनाए थे, ये मैंने लास्ट टाइम दिखा दिया था। ठीक है, नहीं तो जिस यूज़र का मैंने लास्ट टाइम पासवर्ड बनाया था वो कहाँ पे स्टोर होता है, उसका पाथ क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, उसका पाथ होता है शेडो, ETC शेडो। ठीक है, अभी यूज़र की बात हो रही है, अभी ग्रुप की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख, अगर मैं करूँ कैट ETC शेडो, तो यहाँ पे देखो मैंने लास्ट टाइम इस वासु यूज़र का बनाया था। एक काम करता हूँ मैं, पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, मैं बार बार मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है, इससे बढ़िया मैं ये वाली कमांड चला देता हूँ, ये सब बताई थी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल का नाम, फाइल क्या है, ETC और शेडो। तो यहाँ पे देखो लास्ट की दो लाइन दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गई, तो ये वाला अपना यूज़र है। ठीक है, ये देखो, ये वाली, इस वाले यूज़र का लास्ट अपनी यूज़र मैनेजमेंट की फर्स्ट वीडियो में मैंने पासवर्ड सेट किया था। ठीक है, तो अब ये देख लो, तो ये क्या दिखा रहा है, पहले ये जो पहला डॉलर है, तो ये देख रहे हो दो डॉलर, एक तो ये और एक ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिखा है 6। अब ये 6 क्या चीज़ है, तो 6 है आपका SHA-512, जो कि यूज़ होता है इनक्रिप्शन के लिए। तो ये मेथड का नाम है कि कौन सा SHA है। ठीक है, तो ये उसका नंबर लिखा हुआ है, SHA-512 है ये। ठीक है, तो उसका वो लिखा हुआ है नंबर 6। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं जो सेकंड डॉलर से, यहाँ से सेकंड डॉलर से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक, इतना पार्ट यहाँ से लेके, ठीक है, इतना पार्ट। तो ये क्या चीज़ है, तो ये है तुम्हारा ये रैंडम सॉल्ट वैल्यू। तो ये रैंडम सॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो रैंडम वैल्यू एक तरह से ये कह लो, तो ये वो है। और इसके बाद जो मैंने पासवर्ड डाला था इस यूज़र का, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा एनक्रिप्टेड है, तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये एनक्रिप्शन लगे हुई है, और कौन सी एनक्रिप्शन मेथड लगी हुई है, SHA-512, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो तो लिखा नहीं है, लेकिन ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सब चीज़ समझ आ रही होंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। और ये जो है टाइम टू चेंज पासवर्ड, तो ज़ीरो दिखा रहा है यहाँ पे, ज़ीरो कहीं दिखा रहा है, तो ये ज़ीरो दिखा रहा है, ये किस लिए दिखा रहा है, टाइम टू चेंज पासवर्ड, तो कितने दिन में पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए, तो ये वो दिखा रहा है। ठीक है,
ऐसी सेम इसमें इस वाले यूज़र का भी दिखा रहे, साइट यूज़र का ही देख लें यहाँ पे। ऑल राइट, तो उसके बाद चलते हैं 1893 शोइंग लास्ट टाइम चेंज इन डेज, नहीं सेम बिफनी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि डेज सिंस 1 जैन 1970, 1970 को क्या था, 1970 को लिनक्स लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो तब से अब तक डेज कितने हो रहे हैं, 1 एंड 204। अब यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, 19202। ऑल राइट, तो ये पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले पासवर्ड सेट किया था। अगर मैं अभी दोबारा से पासवर्ड सेट करूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वाले यूज़र का पासवर्ड सेट करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, कमांड सिंपल है, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, पासवर्ड और यहाँ पे यूज़र का नाम लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद बोलेगा कि पासवर्ड, नया पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो पासवर्ड टाइप करो, दिखेगा नहीं, ठीक है, ध्यान से टाइप करना, क्योंकि पासवर्ड लिनक्स के अंदर दिखता नहीं है। अब इसके बाद दोबारा से रीटाइप कर दो वही पासवर्ड। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लो ये अपडेट हो चुका है। अब मैं वापस से वही कमांड चलाता हूँ, अपनी कौन सी थी, tail-2etc shadow। तो यहाँ पे देखो ये, अभी एक काम करता हूँ, मेरे को सिर्फ लास्ट वाली यूज़र का देखना, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर -1 वाली कमांड चलाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब मैं -1 कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ इस वाले यूज़र का दिखा रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो बाकी सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1 9 2 1 9 2 0 4, तो ये वो दिखा रहा है, शोइंग लास्ट टाइम चेंज इन डेज, जो कि मैंने इधर सर्च करा था, देखो 1 9 2 0 4 सही पकड़े हैं। तो 1 जनवरी 1970 से लेके अब आज की डेट क्या है, 31 जुलाई 2022, ठीक है। तो तब से अब तक इतने डेज हो चुके हैं, तो ये वो चीज़ दिखा रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पे ये 5 9 किस लिए, ये है एक्सपायरी डेट ऑफ पासवर्ड, कि आपको पासवर्ड एक्सपायर कब होगा। तो यहाँ पे देखो 0 के बाद है 5 बार 9, तो इतने डेज बाद तुम्हारा ये वाला पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। और अब ये देखते हैं 7 क्यों है, 7 की वैल्यू यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, वार्निंग डेज, कि जब तुम्हारा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होगा, उससे 7 दिन पहले ये वार्न करने लग जाएगा कि पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी इसके अंदर, तो ये सब चीज़ मेरे को बतानी थी। अब चलते हैं पाथ ETC ग्रुप। मैंने पहले ही बताया था, जब हम एक यूज़र को क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो अब जल्दी से ETC ग्रुप ये वाला पास, ये वाले इस वाले पाथ पे चलते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है, कैट करते हैं, ठीक है, कैट ETC ग्रुप। तो ये देखो, ये उसका, ये इस वाली यूज़र की GID और ये इस वाली यूज़र की GID। ऑल राइट, तो ETC ग्रुप के अंदर ग्रुप दिखाता है सारे के सारे, ठीक है। अब चलते हैं और नीचे, पासवर्ड ETC G Shadow, तो जी शैडो के अंदर क्या दिखाता है, तो मैं एक बार चलाते हैं पहले वाली कमांड। यहाँ पे पहले वाली कमांड थी अपनी G Shadow, ठीक है, G Shadow चलाते हैं अब, लास्ट के दो ही देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहे, यूज़र नेम और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो पहला दिखाएगा यूज़र नेम, ये रे इधर, ठीक है, इधर ये पहले दिखाएगा यूज़र नेम, उसके बाद आता है पासवर्ड, क्योंकि मैंने अभी कोई पासवर्ड सेट नहीं करा है ग्रुप का, तो इसलिए वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। उसके बाद जो कोलन है, तो उसमें आता है एडमिन यूज़र, और इस ग्रुप से कौन कौन से मेंबर्स ऐड हैं, तो उसके बाद दिखाता है वो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिखाता है पासवर्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसके बाद क्या दिखाते हैं, एडमिन यूज़र, उसके बाद दिखाते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स इस वाले ग्रुप से ऐड हैं, तो लास्ट में वो दिखाता है। तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ पड़ा, ये सब मैं दिखा दूंगा अपनी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इतनी खुशी मुझे आज तक, लास्ट वाली वीडियो में तो बिल्कुल एडवांस चले जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट के अंदर, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे परमिशंस। ऑलराइट, तो होप करता हूँ सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये सब एनक्रिप्शन होती है, ये तो तुम देख पा रहे हो इधर, यहाँ पे देखो पहले डॉलर के बीच में SHA-512। अब मैं यहाँ पे लिखूँ एक बार गूगल में SHA-512 क्या है,
SHA-512। देखो अपने आप आ गया एल्गोरिथम। तो SHA-512 इज सिक्योर हैश एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम होता है, ये तुम्हारा जो पासवर्ड होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता है, ऑलराइट। तो फिर कोई भी पासवर्ड देख नहीं सकता। शाबाश। तो ये होप करते हैं ये वाली सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं। अब एक बार दोबारा से ETC शैडो खोल लेते हैं। शैडो कहाँ है? शैडो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब शैडो खुल गया। तो होप करते हैं ये वाली सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ सेकंड डॉलर से लेके यहाँ तक अपना वो होता है रैंडम सॉल्ट वैल्यू, और यहाँ से लेके फिर पूरा यहाँ तक, यहाँ तक होता है अपना एनक्रिप्टेड पासवर्ड। जो तुम्हारा पासवर्ड डाला है जो तुमने, उसका एनक्रिप्ट ये कर देता है कि ये वाली वैल्यू किसने दिया है और ये वाली वैल्यू किसने दिया है, ये सब किसने दिया है। ये सब मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। डॉक्यूमेंट फॉर दिस वीडियो उसको ओपन करोगे तो ये वाले स्टफ तुम्हें मिल जाएगा, ऑलराइट। तो वहाँ पे जाके देख लेना, और बाकी ये सब चीज़ अपने मशीन में भी एक बार एक्सेस करके देखना कि ये पाथ को एक्सेस करना कि क्या शो हो रहा है, यही शो हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। तो ये सब करके देखना और ये सब चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। शैडो होता है यूज़र के पासवर्ड के लिए, जी शैडो होता है ग्रुप के पासवर्ड के लिए, सिंपल है। और ETC के अंदर जो पासवर्ड होता है वो होता है यूज़र के लिए, और ETC के अंदर जो ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप्स के लिए, सिंपल। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सब कुछ ETC के अंदर, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ETC के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है अपनी, तो सारी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ETC के अंदर ही होती हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आई होप करता हूँ कि समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें, और अपनी मशीन पे कर देना ये सब चीज़ें ट्राई। अब मैं जल्दी से कर लेता हूँ अपनी मशीन को स्टॉप, और फिर मैं कंटेंट बनाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए जो अपनी होने वाली है इसके बाद वीडियो, ऑलराइट। कि यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसका एक पड़ा होगा मेरे पे स्टफ पहले से, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश में बनाई थी वीडियो, तो यहीं पे कहीं पे होगा, अभी तो मैं देख नहीं पा रहा। ऐसे खोल के देखना पड़ेगा इसको, वरना दूर से दिखता नहीं है। तो ये तो परमिशन का पार्ट है, ये परमिशन का, ये तो और यूज़र मैनेजमेंट से आगे का पार्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलता हूँ मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, और मशीन को भी अपनी बंद कर देना। नेवर।